सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ देशभर में तमाम श्रमिक और मजदूर वर्ग से जुड़े संगठन राष्ट्रव्यापी हड़ताल करते हुए लामबंद हो गए। इस दौरान तमाम श्रमिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोधी रैली निकाली। एटक, इंटक, बैंक, रेलवे से जुड़े तमाम आक्रोशित श्रमिकों ने रैली निकालकर अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ज्ञापन सौंपा। श्रमिक संगठनों का आरोप है कि सरकार लगातार श्रमिक और मजदूर वर्ग का शोषण कर उनकी आवाज को कुचल रही है।